वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आज हम देखेंगे लीड को डेली चैलेंज का क्वेश्चन टू फोर जीरो सिक्स जो कि है डिवाइड इंटरवल्स इनटू मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स ओके ठीक है तो पढ़ते हैं क्वेश्चन सो वी आर गिवेन टू डी इंटीजर एरे इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स आई मीन्स लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई रिप्रेजेंट द इंक्लूसिव इंटरवल ठीक है सो वी नीड टू द इंटरवल्स इंटू वन और मोर देन मोर ग्रुप्स

मीटिंग चल रही इवेंट है हर एक इवेंट है और किसी लेफ्ट ऑफ टाइम आई से राइट ऑफ टाइम आई से चलेगा मतलब मिन और मैक्स टाइम तक चलेगा अब बस उसमें क्या करना है? कि हमें ओवरलैपिंग को कम कराना है लाइक like, अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहे तो हम लाइक लेट्स से कि पैनलिस्ट हैं जैसे तीन इंटरव्यूअर लेट्स से तीन इंटरव्यूअर हैं ठीक है तो अगर पहला वाला बंदा फ्री रहेगा अगर उस पर कोई भी इवेंट ओवरलैप नहीं करेगा तो उसी को काम दे देंगे एक नया बंदा क्यों हायर करें अगर सेम ही टाइम पे काम करना है तो हमें मैक्सिमम नंबर बंदे चाहिए राइट ये सिनेरियो है ठीक है तो चलो पहले एक बार इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या करना है ठीक है तो सबसे पहले फाइव कॉमा टेन फाइव लाइक दिस इज अ नंबर लाइन एंड एट लेट मी ड्रॉ आर दिस अब फाइव से हियर वी हैव दिस टेन और ये वाला जो है ना वो लेट से इंटरव्यूअर पी वन इस इवेंट को कंडक्ट कर रहा है इस बंदे पी वन बंदा इस बंदे को इस टाइम फ्रेम में बिजी है दैट मीन्स अगर कुछ और आया तो भाई मुझे पी टू बंदा चाहिए नहीं तो मैं इसी को दे दूंगा अगर कुछ और आया तो अब जैसे लट से सिक्स कॉमा एट आया सिक्स कामा एट क्या है यहाँ से सिक्स कॉमा एट ये ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे अब ये सिक्स कॉमा एट ये आया बट ये क्या है पी वन के टाइम में ही हो रहा है तो पी वन तो इसको कैसे भी नहीं ले सकता इसके लिए मुझे पी टू बंदा चाहिए राइट अब नाव आया वन टू फाइव वन टू फाइव ये आया वन टू फाइव अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे वो ओवरलैप कर रहे हैं नहीं तो मैं पी वन को वो काम दे सकता था राइट right? बट यहाँ पे मैं नहीं दे पा रहा हूँ बट वट वट क्या वो पी टू से ओवरलैप कर रहे हैं नहीं तो भाई ये वाला काम भी पी टू वाला बंदा करेगा मैंने उसको दे दिया अब वो पूछ रहा है टू कॉमा थ्री आया टू थ्री अब टू कामा थ्री यहाँ पे है ठीक है टू कॉमा थ्री इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है ये टू है और ये थ्री है अब टू कॉमा थ्री कौन लेगा पी टू तो भाई बिजी है यहाँ पे क्योंकि तो वन टू फाइव है उसके पास बट पी वन पी वन क्या काम कर रहा था फाइव टू टेन में वर्क कर रहा था वो तो फ्री है ना यहाँ पे तो पी वन को दे देते काम अब एक और बंदा एक और केस आया वन टू टेन ये वाला यहाँ से यहाँ तक अब देखो पी वन भी बिजी है पी टू भी बिजी है मुझे तो एक एडिशनल बंदा चाहिए ना, तो वो कौन सा होगा पी थ्री अब तुम ये देखो कि मुझे कितने बंदे मिले कितने बंदे चाहिए इसमें तीन बंदे और इसीलिए इस एग्ज़ाम्पल का आंसर है थ्री कि मुझे तीन इंटरव्यूअर लगे ताकि मैं सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकूँ और ओवरलैप भी ना हो किसी के साथ तो ये केस है ठीक है अब इसे सॉल्व कैसे करना है right. राइट तो सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम सोचेंगे कैसे क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या ऐसा कर सकते हैं कि लाइक ऐसा करते हैं जैसे अभी यहाँ पे हमने किया था कि अगर जाएंगे फाइव कॉमा टेन और अगर कहीं मिलेगा तो ठीक है नहीं तो इसको डाल देंगे आगे बढ़ जाएंगे जैसे अब इसको एकदम पूरा प्रॉपर करके देखते हैं ठीक है इसको उसी ब्रूट फोर्स में करेंगे तो फाइव कामा टेन आया फ़ाइव कामा टेन कहीं कुछ भी नहीं था मैंने डाल दिया फाइव कामा टेन भाई ये ले मेरा एक ग्रुप बना दे बढ़िया नेक्स्ट आया सिक्स कामा एट तो सिक्स कामा एट मैं सबसे पहले इसमें चेक करूँगा क्या भाई तू ओवरलैप कर रहा है बोला कि नहीं 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 मैं तो ओवरलैप कर रहा हूँ सिक्स कामा एट तो मैंने कहा दूसरे बंदे को डाल दो उसने डाल दिया दूसरा बंदा फिर मेरे पास आया वन कामा फाइव वन कोमा फ़ाइव आया तो मैं चेक करूँगा मैं इससे चेक करूँगा कि भाई क्या तू ओवरलैप कर रहा है बोला कि नहीं नहीं आ, मैं तो ओवरलैप कर रहा हूँ फ़ाइव के साथ ओवरलैप है मेरा बट तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं इसके पास गया तू फाइव के साथ ओवरलैप कर रहा है उसने बोला हाँ हाँ नहीं मैं ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ तो मैंने कहा भाई तू ऐसा कर वन फ़ाइव ले ले उसने इवेंट ले लिया ठीक है टू थ्री पे आया मैं तो मैंने कहा इससे पूछा टू कोमा थ्री इससे ओवरलैप करा है। ये बोला नहीं नहीं मैं तो फ्री हूँ फ्री हो तो भाई काम लो काम दे दिया इसे भी ठीक है फिर वन कोमा टेन आया मैं यहाँ पे आया मैंने सबको पूछा सारे लाइक कहीं तुम फ्री वगैरह तो हो फ्री हो तो बता दो ये बोला नहीं मैं तो बिजी हूँ ये बोला मैं भी बिजी हूँ तो मैंने कहा नया बंदा लेके आते हैं वन टेन अब देखो इसका साइज क्या हुआ इसका साइज क्या हुआ तीन तीन आंसर है हमारा ठीक है अब देखो हमने सारे इवेंट्स स्टोर करे क्या हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते थे क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते थे क्या हमें इस फाइव की नीड है ओवरलैपिंग चेक करने के लिए क्या इस फाइव की नीड है आई डोंट थिंक सो कि हमें नीड है तो इसको कैसे इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे ठीक है तो चलो अब शुरू करते हैं तो अगर अगर ऐसा करें हम इसमें इस वाले में इसको ऑप्टिमाइज करना है तो अगर हम ऐसा करें कि अगर इसको शॉर्ट कर लें तो हमें पता रहेगा कि भाई कौन सा इवेंट पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है राइट और उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें ये लेना है ये नहीं लेना तो चलो एक बार शॉर्ट कर लेते इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले वन फाइव फिर वन कोमा टेन उसके बाद टू कॉमा थ्री उसके बाद फाइव कॉमा टेन उसके बाद सिक्स कॉमा एट ठीक है तो अब ये केस आ गया अब मेरे पास वन फ़ाइव आया वन फ़ाइव आया तो मैं फाइव मार्क कर देता हूँ कि भाई यहाँ तक मेरा एक बंदा बिजी है इससे कम पॉसिबल नहीं है फिर मेरे पास टेन आ, वन टेन आया तो मैंने चेक करा वन कामा फाइव लेस देन है ना बट उसमें तो मेरा बंदा बिजी है बिजी है तो भाई नेक्स्ट ग्रुप बनाओ, नेक्स्ट ग्रुप बनाओ तो यहाँ पे टेन डाल दो बढ़िया मेक सेंस अब टू कॉमा थ्री आया टू कॉमा थ्री आया ये भी बिजी है ये भी बिजी है नया ग्रुप बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पे एक नया ग्रुप बनाया ये तीन तक बिजी है ठीक है फिर मेरे पास फाइव कॉमा टेन आया ये देखा बिजी है ये देखा बिजी है ये देखा नहीं नहीं ये तो तीन तक ही बिजी है फ्री है उसके बाद तो थ्री को अपडेट करके क्या हम फाइव नहीं कर सकते थ्री को अपडेट करो और फाइव कर दो राइट right. अब सिक्स कॉमा एट आया सिक्स कॉमा एट आया ये देखा क्या ये बिजी है नहीं भाई ये तो बिजी नहीं है सॉरी यहाँ पे हाँ टू कॉमा थ्री ओके और यहाँ पे फाइव कॉमा टेन आया था तो यहाँ पे टेन वैल्यू आएगी ठीक है दिस वैल्यू शुड बी टेन नॉट थ्री तो ये टेन आई अब नेक्स्ट आया सिक्स कॉमा एट क्या ये बिजी है नहीं यही बिजी नहीं है तो इसको ऐड कर दो और हमारे अब कितनी वैल्यूज़ हैं सेट में तीन यही मेरा आंसर है ठीक है और अब लेट्स से अगर एक और वैल्यू आ जाती इंस्टेड ऑफ फाइव कॉमा टेन के अगर लेट्स से कि वो होता फाइव कॉमा फिफ्टीन होता अगर ये वैल्यू फिफ्टीन होती तो यहाँ पे क्या होता ये फिफ्टीन हो जाता राइट right? और लेट्स से कि सेवन कॉमा एट आना था वो मुझसे पूछ रहा था यहां पे तो होता नहीं यहां पे भी नहीं होता यहां पे भी नहीं होता तो वो कहाँ जाता एक नया इवेंट बनाता तो यहाँ पे एट आ जाता ठीक है समझ रहे हो, तो अब इसमें हो क्या रहा है कि हम जा जाके सबका हमने मैक्सिमम जो लास्ट टाइम था उसको रख लिया और चेक किया जाके बट 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 क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मुझे एनी पॉइंट ऑफ अब ये क्या ये कर रहा ना ये टाइम इंक्रीज़ कर रहा है कि हर बार हम सबको चेक करना पड़ रहा है किसी कोई फ्री हो जाए तो उसका उसको दे देते हैं साइन कर देते हैं बट 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 यहाँ पे अगर वो वैल्यू मुझे सबसे पहले जब वो क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में तो सबसे पहले इंटरसेक्ट करेगा ना तो वो मिनिमम वैल्यू से करेगा अगर मिनिमम वैल्यू ही उसको इंटरसेक्ट नहीं करा रही है दैट मीन्स वी आर गुड ये हम यूज कर सकते हैं उसको यूज कर लो उस वाली वैल्यू को अपडेट कर दो उसको निकाल के राइट right? तो यही इसका सॉल्यूशन है ठीक है तो चलो कोड देखते एक बार इंटरवल्स को सॉर्ट किया एज यूजल प्रायरिटी क्यू यूज किया क्यों क्योंकि भाई सबको मैं बार बार जाके चेक करना नहीं चाहता था जो छोटा एलिमेंट है ना वो ही सबसे पहले इंटरसेक्ट करेगा मैं उसको लेना चाहता हूँ ठीक है उसके बाद इंटरवल्स में ट्रेड करेंगे और स्टार्ट वाली और एंड वाली लेंगे अगर एम है दैट मीन्स भाई एक बंदा तो चाहिए ना एटलीस्ट अगर नहीं है एम एंड जो मिन हीप जो टॉप है और वो लेस देन इंटरवल स्टार्ट है दैट मीन्स कि कोई जो बंदा पहले से जो टॉप पे प्रेजेंट है उसका ख़त्म वाला टाइम पाँच है और जो मेरा इंटरव्यू जो नया वाला स्टार्ट होगा वो होगा सेवन से अगर ये केस है दैट मीन्स ये वाला बंदा तो इसको कर सकता ना दिस पर्सन कैन हैंडल दिस थिंग क्योंकि पाँच तक ख़त्म हो जाएगा सात से स्टार्ट करना है दैट्स इट तो वो कर लेगा और इसीलिए उसको निकाल के ये अब जो नया एंड आएगा वो मैंने डाल दिया हीप में अपने अब जो भी एट दी एंड हीप का साइज़ बचेगा वही मेरा आंसर है क्योंकि इतने डिफरेंट बंदे चाहिए टू कंडक्ट दिस प्रोसेस ठीक है अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं अब इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो हमने सॉर्ट करा तो ओ ऑफ एन लॉग इन फिर हमने प्राई क्यू में भी हर बार डाला है तो वो भी एन लॉग इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो ओ एफ एन ठीक है क्योंकि हमने भाई हीप में स्टोर तो करा है एलिमेंट्स को तो क्या हम इसको भी बेटर कर सकते हैं कैन वी डू दैट हाँ कोई तरीका तो होगा जिससे ये कर सकते हैं तो चलो वो तरीका देखते हैं तो सबसे पहले ये उठाते हैं हम अपना एग्जांपल इसी के थ्रू देखेंगे अगर सम हाउ मुझे ये पता चल जाए कि एक मोमेंट पे कौन कौन से केसेस चल रहे हैं अभी इफ़ आई नो दैट वी आर गुड अब वो कैसे पता चलेगा क्या हम कहीं मार्क कर सकते हैं कि इस रेंज में ये वाला इंटरव्यू चल रहा है मेरा कर सकते हैं ना कुछ ऐसा तो चलो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें से हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रहेगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो क्या आएगी वन मैक्सिमम वैल्यू क्या है टेन तो हमें एक बैक्टर चाहिए रहेगा जिसका साइज होगा ट्वेल्व अब सोच रहे हो गए ट्वेल्व क्यों क्योंकि भाई इस मूवमेंट तक तो कुछ चल ही रहा है ना हम मार कर सकते तो जो फ्री है बंदा वो इस मूवमेंट पे कर सकते हैं राइट right? ओके okay. तो चलो एक वेक्टर बनाते हैं फिर समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक है तो ये है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन ठीक है इंडेक्सेस तो यही होंगी साइज ट्वेल्व हो गया बट इंडेक्सेस तो यही है हमारे पास राइट अब करेंगे हम इसको फिल करना स्टार्ट इतना ही है अब आया सबसे पहले इवेंट आया फाइव कॉमा टेन तो फाइव से मेरी स्टार्ट हो रही है तो क्या हम इसे प्लस वन नहीं कर सकते कि भाई एक इवेंट मेरा यहाँ पे चल रहा है जो भी पहले कुछ भी सिनेरियो रहा होगा इनिशियली सारी वैल्यू जीरो है तो जो भी सिनेरियो है उसका एक बढ़ जाएगा क्योंकि फाइव से मेरा कुछ स्टार्ट हो रहा है अब ये खत्म कहाँ हो रहा है टेन पे तो हम टेन पे तो खत्म इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाके कहेंगे भैया ये खत्म हो गया तो इसको कर दो माइनस वन इस पॉइंट पे ख़त्म हो गया अब आया हमारे पास सिक्स कॉमा एट प्लस वन करो एट पे जाके एंड हो रहा तो नाइन पे माइनस वन कर दो फिर वन कॉमा फाइव यहाँ पे करो प्लस वन और फाइव पे जाके कर दो माइनस वन फाइव प्लस वन अब ये क्या था सिक्स था ये सिक्स था ये ज़ीरो होगा होगा ज़ीरो तो इसको कर दो ज़ीरो हो गया मेरा ज़ीरो टू कॉमा थ्री टू कॉमा थ्री अब टू कॉमा थ्री कहाँ पर यहाँ पे थ्री थ्री पे माइनस नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा अब वन कॉमा टेन ये हो गया हमारा टू टेन एक अलेवन ये हो गया माइनस टू बढ़िया परफेक्ट अब मेरा कुछ इस तरीके से बन गया कि यहाँ पे है टू वन ये जीरो ये माइनस वन ये वन ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये माइनस वन ये जीरो माइनस टू ठीक है इस तरीके से बन गया अब मैं स्टार्ट करूं तो हर एक पॉइंट पे इंटरवल पे जब हम हर एक इंटरवल पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं अब हम रेंज पे ट्रैवर्स कर रहे हैं हम नंबर ऑफ इंटरवल ये सब हम भूल चुके हैं वो यहाँ पे काउंट है ये जो रेंज है ना ये पूरा रेंज दे रहा है ठीक है तो मैंने स्टार्ट किया जी यहाँ से जीरो से स्टार्ट करूँगा तो बट कुछ है नहीं तो डजेंट मैटर तो मैं टू से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आया टू आगे गया एक और इवेंट चल रहा है इसी टाइम फ्रेम में कोई खत्म नहीं हुआ बट इवेंट चल रहा है तो तीन इवेंट हो गए दो की जगह अब हो गया मेरे तीन इवेंट हो गए तीन इवेंट इस मूवमेंट पे चल रहे हैं वन से टू पे वन से टू पे जाओ तो मेरे तीन इवेंट चल रहे हैं क्या ये सच है यस yes, ये सच है देखो कैसे सच है वन कॉमा फाइव एक इवेंट वन कॉमा टेन ये एक इवेंट टू कॉमा थ्री तीसरा इवेंट तीन इवेंट इस टाइम फ्रेम में चल रहे हैं तो अभी मुझे इस टाइम फ्रेम में तीन बंदे तीन दे तीन चल रहे हैं तो मुझे मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे तीन ही चाहिए होंगे राइट इस पॉइंट तक ठीक है आगे बढ़े जीरो आया सेम है तीन ही चाहिए यहाँ पे माइनस फोर यहाँ पे आए तो माइनस वन हो गया तो क्या बचा ये टू तो क्या वन से फोर तक अब मेरे कितने एक्टिव हैं जो मेरे ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं वो अब कितने बचे हैं अब वो कम हुए क्यों कम हुए क्योंकि भाई टू वाला थ्री टू थ्री तो ख़त्म हो गया चार तक आते आते टू थ्री ख़त्म हो गया अब सिर्फ दो बचे हैं वन कोमा फ़ाइव और वन कॉमा टेन इज़ दैट करेक्ट यस इट इज़ करेक्ट मैं फ़ाइव पे आया इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है एक इवेंट और आने लगा क्या ये सच है बिल्कुल कौन सा इवेंट हो रहा है अब 1.5 फ़ाइव तो था 1.10 टेन था फाइव कॉमा टेन इज़ दैट राइट अब भी मुझे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है तीन ही है बड़ा ही बड़ा नहीं हुआ है ठीक है फिर हम आए सिक्स पे ये जीरो है सेवन पे जीरो है एट पे जीरो है बढ़िया एट पॉइंट ऑफ नाइन तो एक कम हो गया नाइन पे एक कम हुआ टू आया तो क्या ये सच है नाइन पॉइंट पे कौन कौन से इवेंट चल रहे थे एक वन कॉमा टेन चल रहा था और एक फाइव कॉमा टेन चल रहा था वन कॉमा फाइव तो बंद हो गया राइट वनकॉमा फाइव बंद हो गया ओके okay, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलते हैं टेन पे आए कुछ नहीं एलेवन पे आए सब खत्म हो गया जीरो एट द एंड जीरो तो मुझे इन जब मैं ट्रेड करा तो तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या मिली तीन मिली यही तीन मेरा आंसर है राइट right? ये हमें क्या बता रहा है कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितनी चीज़ें एक्टिव हैं दिस इज थिंग इट इज़ टेलिंग तो चलो इसका कोड देखते हैं ये काफ़ी बढ़िया अप्रोच है तो चलो इसका कोड देखते हैं क्या है कि दो वैल्यू चाहिए होंगी मिनिमम और मैक्सिमम ताकि हम वो ये वाला वेक्टर डिफाइन कर सकें ये इजीली, ठीक है तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, इटरेट करके इंटरवल्स में बढ़िया है फिर क्या किया एक ये डिफाइन करा हमने अपना डिफरेंस वाला कि कौन कौन चल रहा है कौन कौन नहीं चल रहा है एट दी मोमेंट फिर उसके बाद जीरो वाले पे प्लस प्लस कर दो कि भाई इवेंट मेरा एक्टिव हो गया और उससे एक प्लस वैन वैल्यू पे माइनस माइनस कर दो ताकि ये पता चल जाए मेरा इवेंट खत्म हो गया अब कुछ नहीं बचा तो मैंने दो वैल्यू ली ओवरलैप ग्रुप्स ओवरलैप इंटरवल्स और ग्रुप्स ठीक है कितने ग्रुप्स हैं तो मैं ऐड करता जाऊंगा ये वैल्यू जो डिफरेंस पे जो भी है प्लस हो माइनस हो डॉन्ट केयर ऐड करो ऐड करने पे उसका मैक्स ले लो ग्रुप्स से कि भाई अब कितने ग्रुप्स हैं एट पर्टिकुलर मोमेंट कितने मैक्सिमम बंदे चाहिए ये कंडक्ट कराने में तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा ग्रुप्स को रिटर्न कर दो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये क्या है ये एक एक बार हो रहा है तो ऑफ एन राइट फिर क्या कर रहा है इंटरवल्स को फिर से किया ऑफ एन उसके बाद मैक्स तक मिनिमम से मैक्स तक हमने फिर से ट्रेड किया है और ऐड किया है तो वी कैन से कि ओ ऑफ टू एन प्लस जो वी रेंज है एम एक्स माइनस एम एन इतना हमने ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो क्या है हमने एक स्टोर किया है और ये क्या स्टोर किया है ओ ऑफ मैक्स प्लस इतने साइज़ का एक स्पेस यूज़ किया है हमने तो ये हमारा हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो ऊपर वाले से ये बेटर सॉल्यूशन है और इन दोनों सॉल्यूशंस का मैं कोड आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें कि हाँ समझ में आ गया अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं रिप्लाई करूँगा कि क्या डाउट है और कैसे सॉल्व होगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करिए देखते रहिए वीडियो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय